एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका गोयल व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आज काफ़ी दिनों बाद आई हूँ यूट्यूब पर। रीज़न है उसके पीछे कुछ, क्योंकि मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, डेली रूटीन नहीं दिखा पा रही थी। श्राद्ध के बाद नवरात्रे शुरू हो गए थे, कुछ तो नवरात्रों की वजह से बोल सकते हो, और इसके बाद बच्चे, और सेकेंडली जो मेरा खुद का बिजनेस है, मैं उसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती थी कि मैं कुछ कर पाती और वीडियोस बना पाती। तो मैंने सोचा क्यों ना दशहरा व्लॉग तो लेके आया जाए आप लोगों के आगे। और आज है दशहरा और हम लोग मम्मी जी के यहाँ पर ही जा रहे हैं दशहरा मनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं फिर मम्मी जी के यहाँ पर। ख्वाहिश तो भी सो रही है वैसे, तो देखते हैं अगर उठ जाती है। वंश, क्या बना रहे हो? मैं रावण बना रहा हूँ। क्या बना रहे हो? रावण। रावण बना रहे हो, चलो देखते हैं वंश रावण में कैसे क्या बना रहा है। इस टाइम सुबह के टाइम बना रहा है वंश रावण, मे भी शाम तक बन जाएगा। और शाम को कहाँ जाएंगे वंश? हम बुआ के घर जाएंगे। बुआ के घर जाएंगे। ये फॉइल है, फॉइल से वंश बना रहा है। और ये आई थिंक नीचे का उसका जो पार्ट होता है ये भी बना लिया है वंश ने। वंश लगा हुआ इस काम में और अब मैं जा ही रही हूँ और लेके आऊँगी। बिजनेस में मैं क्या करती हूँ, कैसे क्या है, एक दिन वो वाला व्लॉग ज़रूर लेके आऊँगी आप लोगों के सामने कि किस चीज़ का मेरा बिजनेस है और मैं क्या करती हूँ। और मैं व्लॉग किस वजह से नहीं बना पा रही थी, उससे रिलेटेड एक व्लॉग ज़रूर आएगा। और फिलहाल तो चलिए आज चलते हैं दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। और वही हमारे यहाँ पर वो जो गोबर से रखा जाता है ना, वो मम्मी जी ने रखा है। और उसके अलावा बच्चे नोड़ते रखते हैं भाइयों के कान पर, और यही सब होता है। अम्मा हाउस चल रहे, चलो वंश चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो जल्दी जल्दी। अब मैं यहाँ आ गई हूँ मम्मी जी के पास और मम्मी जी रख रही हैं दशहरा। पापा जी सुबह दूध लेने गए थे तो वहीं से ही गोबर लेके आ गए हैं और मम्मी जी ऐसे इसको राउंड राउंड बना के और ये रख रही हैं दशहरा। ये जो मम्मी जी ने ये जो बनाया है ना दशहरे पे, रावण बोलते हैं आई थिंक इसको, ये बनाया है मम्मी जी ने, चावल को पीस के बनाया है और हल्दी डाल के, आई थिंक ये उससे ही बना है। क्लियरली अभी मुझे कन्फर्म नहीं पता है, मेरी ख्याल से कि ऐसे ही बना है। और ये मम्मी जी गोबर से राउंड उपले बनाकर और इसको रख रही हैं और बच्चे वहीं पर ही बैठे बैठे ये कर रहे थे, ओ अम्मा ऐसे गोबर में हाथ लगा रही हैं, ये लगा रही हैं। वही है, पहले के बच्चे तो इन चीज़ों के आदि थे और यहाँ के बच्चे ये देखते ही नहीं है कि गोबर होता है, ये होता है। सब बच्चे आजकल के घिन करते ही करते हैं और वो ऑब्वियस है कि सब बच्चे करेंगे ही, क्योंकि वो लोग अपने आसपास ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। अगर बच्चे अपने आसपास इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो उन्हें पता रहेगा कि ऐसे ये चीज़ें बनती हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे त्योहारों पर और इन्हीं सब चीज़ों पर बच्चे ये चीज़ें देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि ऐसे ये बनाया जाता है या कुछ होता है। यहाँ भाभी कुल्लड़ भर रही हैं, कुल्लड़ के अंदर खील और बताशे रखे जाते हैं हमारे यहाँ पर, तो एक साइड वो तैयार हो रहे हैं। कुल्लड़ के चारों तरफ हल्दी लगाई जा रही है और कलावा बांधा जा रहा है। फिर सभी जेंट्स और बच्चे बैठकर इसकी पूजा करते हैं और घी का मीठा रायता भी बनता है। इसी तरह से ये सारी तैयारी शुरू हो गई है और एक गन्ना भी लाया जाता है। गन्ना भी हमने अंदर ला के रखा नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा था गन्ना, तो गन्ना भी रखा जाएगा यहाँ पर और कलावा बनता है। इसी तरह से ये दशहरे की तैयारी शुरू हो गई है सारी। ये हमारा दशहरा बनके तैयार हो गया है। ये मम्मी जी ने पूरा दशहरा बनाया है, ये गोबर से रखा है ऐसे, ये कुल्लड़ भरी हैं, इसके अंदर खील बताशे कलावे हैं और ये पूजा की थाली है, इसमें खील बताशे हैं। और एक थाली रखी जाएगी जिसमें टीका चावल होगा, नौरते होंगे, यानी कि जो नवरात्रों में बोया जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन कलर का जो होता है वो बच्चे नौरते अपने कान पर, बच्चों भाइयों के कान पर रखते हैं और दशहरा इसी तरह से मनाते हैं। और सब लोग यहीं बैठ कर ही करेंगे पूजा इसके चारों तरफ ही, और शायद परिक्रमा भी लगाते हैं, टीका करते हैं
और जो अपना व्यापार से रिलेटेड सारा सामान होता है उसकी पूजा की जाती है। बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारा सामान होता है उसकी पूजा करते हैं और बस। और पक्का खाना बनता है, जैसे घी का रायता हो गया और पक्का पूरी कचौरी सब्जी ये सब बनता है। 15, 10 का बोल बोल के लिखो, क्या लिख रहे हो? सब क्या वाइश क्या करियो? क्या ये बांधी? किसने बांधी आपके? क्या बांधा है आपके? भांजी कलावा क्या है? हाँ कलावा क्या है? चावल नहीं कलावा। चलो रियांशी अंदर चलो। हाँ चलो जय जय करो, चलो आओ जल्दी जल्दी जाओ बाबा पास। चलो 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 मम्मी जी ने बनाया है घी का रायता, मीठा घी का रायता है, इसे भोग लगता है। लो लो ही रखना वहाँ पर, मैंने स्लीपर्स पहन रखी हैं। अरे रुक तो जा मेरी माँ। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मंदिर की थाली, उसके लिए मूली का लच्छे में सब चीज़ मम्मी जी ने काट के रखी थी, टमाटर वगैरह हरी मिर्च वगैरह सब चीज़ें, अदरक वगैरह। बस मैं इसको मिक्स करके और प्लेट में लगा रही हूँ। पूरी बन रही है, एक तरफ आलू की सब्जी, आलू गोभी, ये सब। अब पूजा करके जब सब लोग हो जाएंगे, पूजा कर लेंगे, तो पापा जी या भैया में से या इनमें से कोई भी मंदिर में जाके थाली दे आएगा, तो शहर में हम लोग थाली मंदिर में भिजवाते हैं। Thank you.
अभी जय जय करके जब लगाना, ठीक है, जब पीना। वो राउंड इस पे नहीं लगाते क्या? अरे लगाएं, खड़ा हो। अच्छा पहले इधर इधर कर देना। चलो पानी छीके लगाओ। चलो चलो लगा ख्वाहिश क्या कर रहे हो? ख्वाहिश क्या कर रहे हो? तीन। बोलोगी नहीं? जे जे। तीन। तीन। राउंड राउंड ख्वाहिश। चलो ओए जब भी आ गई आ गई आ गई कौन आ गई। चलो ओए भाई चलो चलो बच्चों से नोट पे रखवा दो। माता देखो माता माता देखो रखवा लो। ख्वाहिश बस आराम से आशीर्वाद दो। अब नोड़ते रखोगे? दोनों साइड रखना। अंकुर ये जल का लोटा मुझे दे दो। उधर खड़ा कर दो जी ऊपर ही चला। ये खिला दे थोड़ा सा मीठा, ये खिला दे ये बता सा थोड़ा सा। नहीं तो वो समय मोटलवाओ ना वो। आ जाओ लाइन से आ जाओ। गौरी लो थोड़ा जूम करो इसे थोड़ा सा जूम कर दो थोड़ा। चलो आप भी रखो चलो चलो ख्वाहिश भी रखो। ख्वाहिश रखो टीका करो कर दो टीका। उंगली पे लगा दी। लो सब खाने का। और जी
लो आओ आओ ले तू खा ले इसे खाते हैं खा ले ठीक है नोट रखवा दे इसके हाथ से पकड़ के चावल खाने में लग रही है लेना है कुछ भी मैं आ रहा यांशी को दो रियांशी को से लगवा बंद करवा अभी अरे वैसे ही लगवा के वैसे ही कर दो ले लगा बाहर लगा लो इसका हाथ लगा के तुम रख दो ले 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 ओए चल पैसा खिला दो भाई लोग लो पैसे नहीं ये दे दो लिफाफा दे दो ये वाला पैसे पैसे क्या करोगी देखो क्या कर रहे वंश का रावण बन के तैयार है वंश ने बहुत ही कम टाइम के अंदर रावण बनाया है ख्वाहिश मैडम जल्दी है ख्वाहिश क्या कर रही हो चलो भाई चलो जलवाओ आप बच्चों से रावण बच्चों रावण क्यों जलाते हैं हम रावण पता होना चाहिए तुम्हें रावण इसलिए जलाया जाता है बुराई की हार हुई थी यानी कि अच्छाई की जीत हुई थी राम जी ने रावण को मार गिराया था अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी इसलिए हम रावण को मारते हैं है ना ख्वाहिश रावण को जलाते हैं कि बुराइयां अपने घर से हमारी सारी चली जाएं है ना ख्वाहिश आप कहाँ जा रही हो बुआ के जा रहे हो और क्या कर रहे हैं डैडी आप भैया से रावण जलवा रहे हैं हमेशा बच्चे बड़ों की निगरानी के अंदर ही इस तरह के कोई भी फायर रिलेटेड काम ज़रूर करें ख्वाहिश क्लैपिंग करना क्लैपिंग रावण जल गया हमारा ख्वाहिश क्या जलाइए रावण भाई साहब कह रहे हैं क्या ये रावण भाई साहब नहीं रावण चलो खड़े हो जाओ दोनों खड़े हो जाओ ख्वाहिश ये क्लैपिंग कर दो ये का बच्चा जल गया
अब हम कहाँ जा रहे हैं? बुआ के घर चल रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी, अब देख लो चलते हुए देख लो, फिर चलते हैं। ठीक है ख्वाहिश। चलो भाई, रावण तो जल गया हमारा, रावण का हो गया है सर्वनाश, यानी कि बुराई पर जीत हुई है। किसकी वंश? राम जी की। अच्छाई की जीत हुई है, राम जी हमारे जीत गए। और आज के हमारे राम जी कौन है? वंश है ना ख्वाहिश। वंश भैया क्या है? राम जी। वंश ये हॉट है? नहीं, डोंट टच इट। चलो बच्चों जल्दी जल्दी चलो जल्दी। चलो वंश चलो। ख्वाहिश अपनी न्यू ड्रेस तो दिखा दो सबको, क्या पहना है आपने? जल्दी दिखाओ, हाउज यू लुकिंग? अरे वाह, डॉल तो बहुत सुंदर लग रही है ना? स्टाइल करके दिखाओ ख्वाहिश, स्टाइल। ओहो ओहो, ये स्टाइल है ख्वाहिश का। चलो हम दीदी के घर, दीदी बना रही है हम लोगों के लिए। क्या बना रही है दीदी? चाय। दीदी बना रही है हमारे लिए चाय, नाश्ता लगा रही है। इतनी सब क्या देते? अरे अरे हाँ, क्या बताओ? तुम तो रोजी आ रही हो ना मेरे घर? ऐसा कुछ नहीं है, रोजी तो आती हो। और बच्चे तो लग रहे हैं मस्ती करने के लिए, ये देखो बच्चों की मस्ती भी दिखाती हूँ। ख्वाहिश ख्वाहिश मजे कर रही है। ख्वाहिश क्या कर रहे हो? भैया साथ मस्ती कर रहे हो? क्या कर रहे हो भैया साथ? बस इसी तरह से हम लोग बैठ के यहाँ पर चाय नाश्ता कर रहे हैं और पूरी फैमिली इंजॉय कर रही है दीदी के यहाँ पर। और बस अब इसी तरह से हम लोगों ने दशहरा सेलिब्रेट करा और बस दीदी इसके बाद टीका कर देंगे, उसके बाद का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बट प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। डेली मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, रीज़न कुछ है कि मैं डेली वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। इससे रिलेटेड एक व्लॉग मैं जल्दी लेके आऊँगी और आप लोग प्लीज़ उस व्लॉग को देखना मत भूलना और प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करना और लाइक भी करना कि मैं डेली व्लॉग्स क्यों नहीं बना पा रही हूँ, चाहते हुए भी मेरे को टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा है और किस बिज़नेस में मैं इन्वॉल्व हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सो अब बाय बाय और हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू।